जिस इंटरनेट की वजह से मित्तल भुजिया भंडार इतना बड़ा ब्रांड बना है, उसी इंटरनेट पे मित्तल्स के नाम पर लोग थू थू कर रहे हैं और उसकी वजह तुम हो। फैमिली बिजनेस छोड़कर तुम्हें आरजे बनने की छूट दी, एक ही घर में रहते हुए दोस्तों के साथ रहने के लिए अलग हिस्सा दिया, घर में आने जाने की पूरी छूट दी, और बदले में क्या मिला? हेलो दर, पायला गुदा दर। अरे हट! ये भड़की हुई बहू, जिसे पूरी दुनिया से शिकायत है, और ये नमूना, इन दोनों की संगत की वजह से आज ये वीडियो वायरल हो गया। अरे लोग तो खेल को अपना करियर बनाते हैं और तूने अपने करियर को ही खेल बना रखा। पापा जी माफ कर दो ना, देखो ना उसके चेहरे पे कितनी मासूमियत है, उसे उसे एहसास हो रहा है अपनी गलती का। देखो भैया, तू चुप रह परशोत्तम, तेरी पत्नी ने इसे सर पे चढ़ाकर इतना निकम्मा कर दिया, अब तू आ गया वकालत करने? कोई मेरी छड़ी लेके आओ। आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा और तुम दोनों राहु केतु जय की कुंडली में सबसे बड़ी महादशा तुम हो, अभी हट जाओ सामने से वरना सबसे पहले डंडा परेड तुम्हारी करूंगा। हटो! बेचारा जय, आज बाबूजी उसे नहीं छोड़ेंगे। रूपा भाभी होती तो बाबूजी को मना भी लेती। मैं कल ही आ रही हूँ, इनॉग्रेशन है ना, अब कौन मनाएगा? इतनी शिद्दत से याद किया है, लो कल ही आ रही है। पर वो तो 3 दिन बाद आने वाली थी ना। अपने नए स्टोर का इनॉग्रेशन है, उसके चक्कर में जल्दी आ रही है। साहब साहब, वो कहा है ना हम कल नहीं आएंगे। क्यों? वो कहा है ना कल हमारे पेट में दर्द होने वाला है। कहा है ना साहब, आज भुजिया वगैरह थोड़ा ज्यादा खा लिया तो कल पक्का है कि एसिडिटी होगा। रूपा जी के नाम पे पेट में, लीवर में, गुर्दे के पूरे सब में दर्द शुरू हो गया। वो हमारा क्या, पूरा फैमिली का सेम ही हालत है, इसीलिए एडवांस में एप्लीकेशन लीव। मैं ये एडवांस एप्लीकेशन नहीं मानता, मैं तो नहीं दे रहा छुट्टी, तुम जानो रूपा जाने। फिलहाल तो भगवान जाने बाबू जी अंदर जय की क्या हालत कर रहे होंगे ना, पता नहीं। सॉरी बच्चा, उजरा घर वालों के सामने टेंशन बनाने के लिए मैं 1-2 डायलॉग ज्यादा मार गया। या राइट। वैसे दिल्ली में ये कौन सी लड़की आई है जिसने तेरे गाल सुझा दिए? हाँ इधर देखो, 100% रिकॉर्ड रहा है हमारा, आज तक ना किसी लड़की ने हमारे ऊपर हाथ उठाया और ना ही सैंडल, पर तेरी वाली ने तो उठा दिया। कुछ तो है इसमें। हाँ बेटा, मिलना तो पड़ेगा। आज तक सबने तुम्हें अपनी पलकों पे उठाया, पर हाथ उठाने वाली ये पहली निकली। ले लो। क्या? नहीं मजे ले रहे हो ना, ले लो। नहीं बेटा, जब मैं दादी को बताऊंगा ना कि आप अपने मोबाइल में मुझसे किस किस टाइप की वीडियो लेते हो, तो फिर आप खाना चपेटे और मैं हंसूंगा। बड़ा 100% रिकॉर्ड है ना आपका, आज टूटेगा। अरे यार, ये तो गलत बात है ना। देखो, दुनिया के सामने मैं उनका दादू हूं, लेकिन इस कमरे में हम दोनों जिगरी हैं, जिगरी। क्या तुम मेरी वाइफ के सामने मेरी बेइज्जती कराएगा? ओके ठीक है, नहीं बोलूंगा। डेयरिंग बंदी है जिसने आरजे के कान के नीचे, बड़ा करेज, अमेजिंग। बॉस ने एक्चुअली काफी समय तुम्हारा इंतजार किया, तुम आई नहीं तो उन्होंने जॉब किसी और को दे दिया। कैफे में इंटरव्यू के लिए, पर मैं गई तो। एनीवे, नेक्स्ट टाइम कोई वैकेंसी आएगी तो कॉल करता हूँ। ओके थैंक यू। क्या हुआ दी? वो रिया जिस लड़के को मैं थप्पड़ मार के आई हूँ, वो इंटरव्यू नहीं कोई और था।
मतलब तुम एक अच्छे खासे शरीफ लड़के को थप्पड़ मार के चली आई। शरीफ तो किसी भी एंगल से नहीं था, और थप्पड़ उसको मैंने इसलिए मारा क्योंकि चीपनेस दिखाई उसने। और सिर्फ इतना ही नहीं, पापा के साथ भी बदतमीजी की उसने। खैर मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, कल एक और इंटरव्यू है मेरा। बस ये जॉब मुझे मिल जाए ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। अद्दू दी, आप मुझे बताओ कैसे मिलेगी आपको नौकरी? मतलब सोशल मीडिया से तो आप ऐसे भागते हो जैसे वो की भूत हो। ना आपका कोई पीआर है, ना किसी प्रोफेशनल वेबसाइट पर कोई रिज्यूमे। मतलब आप ही मुझे बताओ, न्यूज़पेपर ऐड में मिलती है क्या आजकल नौकरी? और ये 1970 के स्टाइल का रिज्यूमे। मतलब हॉबीज, इंटरेस्ट, स्किल्स, ये सब ऐड करो ना इसमें। तो तुम्हारे इंटरनेट या पीआर से कौन सा मिलती है नौकरी? नौकरी मिलती है डिग्री पर, क्वालिफिकेशन पर, तुम्हारी काबिलियत पर मिलती है नौकरी। ठीक है, जैसा आपका हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्लीज ये पेंटिंग बंद करो ना, सो जाओ और सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे क्या बात है भाई, तुम्हें पता है मुझे शाम को पार्टी में जाना है और तुमने अभी तक सूट तैयार नहीं करा। और ये क्या है, क्या है ये? हाँ, ये जो सूट तुमने बनाए हैं ना, ये इनकी फिटिंग ठीक नहीं है, फिटिंग बराबर करके दो। मैं कर दूंगी। एडवांस पैसे लेती हो तो काम तो कम से कम ठीक से करो और सूट बना देना शाम तक, ठीक है? बहुत सुन ली माँ ने इन सब औरतों की बातें, अब नहीं, बस एक बार नौकरी लग जाए मेरी, फिर मैं माँ को ये सब कभी नहीं करने दूंगी। हाँ सैवी, सैवी मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। बैब्स, तुझे अब किसी इंटरव्यू पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास तेरे लिए एक बेस्ट जॉब है, इसमें तेरा मन भी लगेगा और सैलरी भी बहुत अच्छी है। क्या प्रोफाइल है? ब्लॉग राइटिंग करनी है, और तेरी राइटिंग तो बचपन से कितनी अच्छी है। मींस तेरे हिंदी आंसर्स, एसेस, पोएम्स सब बेस्ट रहे यार। तो बस अब तैयार हो जा अपनी टाइप की नौकरी के लिए। हा? वैसे कंपनी का नाम क्या है? तूने वो नया डायलॉग सुना है? प्यार से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से लगता है। करारा जैसे पापड़, गुमनाम लड़की का जोरदार थप्पड़। मेरा सुन, मेरा सुन। सोशल मीडिया का शेर लड़की के सामने ढेर। वाह वाह वाह, शट अप यू गाइस। जय, कौन थी वो लड़की? तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी जाके उसे देखूंगी। आई स्वेयर, अगर मैं वहां होती ना तो मुंह नोच लेती उनका। एक्चुअली मैं ना वहाँ पे अपना चैलेंज पूरा करने गया था, पर मुझे क्या पता था कि उसको मेरा मजाक समझ ही नहीं आएगा। And now see, सब मेरा ही मजाक बना रहे हैं। Oh, Jay, don't be sad. मैं हूँ ना, अगर अब किसी ने मजाक बनाया तो मैं इनका बैंड बजा दूंगी। कुंडली में ग्लैमर लिखा के लाए, आना दे माहिरा मैम को, एक मिनट में उसकी सारी हीरोगिरी निकाल देंगे। बस वही एक प्रॉब्लम है यार, उस कंपनी की ओनर माहिरा बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब उसे हर काम परफेक्ट चाहिए, और इतना काम करवाती है कि सांस लेने तक का टाइम नहीं मिलता। पर कोई नहीं, तू एक बार उसे इम्प्रेस कर ले फिर तू सेट है। ओ गॉड जय, अगर माहिरा मैम को वीडियो के बारे में पता चल गया तो वो तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगी। अगर मैं हलवाई बन गया तो? तल भुजिया? No, I'll take care of it, babes. Yeah. Hello, guys. Mahira ma'am gate पर आ गई है। What? गुड मॉर्निंग मैम। मैम 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 वो सॉरी मैम वो यू आर फायर्ड। सो
भी अगर मायरा मैम ऐसी हैं तो फिर मैं उनके साथ काम कैसे करूंगी? बैब्स, क्योंकि तू बड़ी टैलेंटेड है और उस बंदी को टैलेंट की बड़ी कदर है। मैं बोल रही हूँ ना, झट से इम्प्रेस हो जाएगी। अच्छा तो फिर मैं अभी क्या करूँ? तू एक काम कर, तू फन ओशन मॉल पहुँच जा, यही मिलके तुझे सारी डिटेल्स दे देती हूँ। चल ठीक है, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। गुड मॉर्निंग।